The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what is cataract? Cataract kya hai? Matlab aankhon ke andar ek lens hai. उस लेंस में मान लीजिए ये आंखों का लेंस है, बढ़िया सा अपना ट्विंक्स। सो आंखों के अंदर जो लेंस है वो लेंस जो है वो आपका ब्लर हो गया, वो लेंस आपका क्लाउडी हो गया, उसमें आ गए हैं बादल, बदल उसमें आ गया है, काले बादल या वाइट बादल, वाइट मोतियाबिन, काला मोतियाबिन, सो दीज आर कैटरेक्ट। सो ये नॉर्मली ये लेंस जो होता है बिल्कुल पारदर्शी होता है, क्लियर होता है आंखों वाला, और जिससे बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखता है ये एकदम लेंस, अपने कैमरा के लेंस जैसा फोकस करने का काम करता है। मतलब यहाँ से डालो, यहाँ से डालो, यहाँ से दूरबीन जाके ना वो उसे फोकस करके एक जगह पे पॉइंट, केंद्र बिंदु होती है, वो बिंदु फोकस जहाँ होता है वो होता है आपके रेटिना पे, आपके पर्दे पे, राइट। तो पर्दे पे जब आपकी गिरती है तो आपको चीज़ दिखती है, राइट। 45 साल की उम्र तक, राइट, आपकी जो इसका शेप है वो चेंज नहीं होता, द शेप ऑफ लेंसेज, सॉरी, शेप चेंज होता है। 45 साल की उम्र तक इसका शेप चेंज हो सकता है, मतलब ये थोड़ा सा फैल सकता है, थोड़ा साइट हो सकता है, थोड़ा ऐसा हो सकता है, थोड़ा, जी हाँ, इसके साथ वो एडजस्ट कर सकता है, दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, पास के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, तो बहुत अच्छे से चेंज हो, तो इससे आप फोकस कर सकते हो, पास वाले को फिर दूर वाले को ऐसे फोकस करके देख सकते हो, राइट। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है इसके अंदर, लेंस के अंदर भी प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन थोड़ा थोड़ा टूटने शुरू हो जाता है, ऑब्वियसली बेहतर, अब जिसकी प्रोटीन डेफिशिएंसी उसमें और जल्दी हो जाएगा, इसलिए प्रोटीन खाना जरूरी होता है। और लेंस जो है धीरे धीरे क्लाउडी होते जाता है, क्लाउडी होते जाता है तो उसकी शेप चेंज होने की क्षमता भी और इमेज की क्लियरिटी भी कम होती जाती है। 45 साल की उम्र में आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आता है जब सिग्निफिकेंट क्लाउडिंग हो जाती है 50-55 के बाद, 60 के बाद, सो तब तक धीरे धीरे शुरू 45 से हो जाती है, और आंखों को हो सकता है आपको लगे कि ये ब्लरी ब्लरी सा दिख रहा है, चश्मा साफ करो या चश्मा लगाएं, वट एवर इट इज, तो इसी चीज़ को कहते हैं कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट का फर्स्ट साइन होगा ब्लरिंग ऑफ विजन, ब्लरिंग ऑफ विजन, डिफिकल्टी टू फोकस। सो ये क्यों होता है, किस में होता है? नंबर वन कारण है डायबिटीज, जिसकी शुगर ज़्यादा होगी, एक्चुअली में आँख के अंदर सॉर्बिटॉल नाम का शुगर का अर्क जमा हो जाने लग जाता है और वो ख़राब करता है। आँखों के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होने से भी आँखों में कैटरैक्ट होता है, इंजरी चोट लगने से भी कैटरैक्ट जल्दी हो सकता है, और जिनकी फैमिली में कैटरैक्ट है, फैमिली में सबको हो रखा है तो आपको भी होगा, ये इसका बेसिक जेनेटिक प्रिडोमिनेंस होता है। और अगर कोई स्टीरॉयड ले रहा है, किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड यूज़, तो उसको भी कैटरैक्ट होगा, इसीलिए हम कई सारी चीज़ें जैसे सैंडलवुड ऑयल और नेचुरल स्टीरॉयड्स का भी यूज़ मना करते हैं लॉन्ग टर्म में यूज़ करने के लिए। रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर होगा तो भी कैटरैक्ट होगा, स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू पीते हैं तो भी कैटरैक्ट का रिस्क बढ़ जाएगा, क्लाउडिंग होगी, कोई एक आधी आँख के लिए कोई ऑपरेशन कराया किसी भी कारणवश तो भी कैटरैक्ट के चांसेस बढ़ सकते हैं, और अगर सनलाइट पे बहुत ज़्यादा धूप में बैठते हो तो भी कैटरैक्ट का चांसेस बढ़ सकता है। इसके बावजूद भी कुछ कारण है, कई बार बिना किसी कारण के होते हुए भी कैटरैक्ट उम्र के साथ हो सकता है, एजिंग प्रोसेस, जल्दी एजिंग हो रहा है, कोई अपना ख्याल नहीं रख रहा, कोई डिहाइड्रेटेड, किसी ने प्रोटीन डेफिशिएंसी, किसी को क्या डेफिशिएंसी, कोई डिप्रेस्ड है, यस, एवरीथिंग मैटर्स, डिप्रेस होकर खाना नहीं खाओगे, खाना खाओगे डेफिशिएंसी होती है, समझे? और ये होता है बहुत स्लोली, कैटरैक्ट दिन का काम नहीं, महीनों का काम नहीं, ये सालों का काम है, और पेनलेसली, पता ही नहीं चलेगा, आंखों के नीचे से जमीन, यानी कि जब पैरों के नीचे से जमीन नहीं, आंखों के नीचे से रोशनी गायब होती जाएगी, बेसिक चीज़, राइट। सो बहुत स्लोली स्लोली ख़राब होने लगती है। पहला साइन माइल्ड क्लाउडिंग ऑफ लेंस, 60 साल की उम्र के बाद से दिखाई देने लगता है, चालू होता है 45 में और दिखता 60 के बाद है, और वो हो सकता है 60 में कई लोगों की विजन को कोई दिक्कत ना करे, 75 साल की उम्र के बाद कई लोगों को कैटरैक्ट हो जाता है अच्छे से, बशर्त है कि आप दूसरे किसी कारण से आपको और ज़्यादा बीमार ना हो गए हो, है ना, जिंदा हो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फिर आपको क्या होगा, आपको रोशनी से दिक्कत होगी, सेंसिटिविटी टू ग्लेयर, क्लाउडीनेस, फजीनेस, फॉगीनेस, आपको फिल्मी विजन दिखने लग सकता है,
फॉगी फगी फॉगीनेस डिफिकल्टी होगी आपको रात को देखने की या कम कम लाइट में देखने के लिए, कई बार डबल डबल दिखने लगे, कई बार कलर की इंटेंसिटी कम लगने लगे, कलर ही चेंज हो जाए थोड़ा बहुत, राइट। शेप में गड़बड़ी आ सकती है क्योंकि ये भी शेप में, तो हो सकता है कोई बैकग्राउंड में प्रॉब्लम हो तो शेप डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाए। कभी कभी लाइट के हेलोज दिखने लगेंगे, अरे इसके तो लाइट लाइट दिख रही है सर के पीछे या किसी के पीछे, ऐसे हेलोज बिना किसी सर वैसे भी हेलोज दिखे, राइट। और आँख के ग्लासेस आई ग्लासेस के नंबर बार बार चेंज हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कैटरैक्ट से। विजन कम हो सकता है, डे लाइट में भी विजन कम हो सकता है ज़्यादातर, लेकिन नाइट लाइफ नाइट वाले विजन लो डिम लाइट विजन पहले अफेक्ट होते हैं, और कई बार ये दोनों आँखों में एक साथ होता है लेकिन एक आँख में थोड़ा ज़्यादा होगा एक में थोड़ा कम होगा, ये ज़्यादा होता है। सो जो ऐसा ज़रूर सिम्टम होता है, तो जब ऐसा होगा तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। आपके डॉक्टर होंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या करेंगे, आपके आई का एग्जामिनेशन करेंगे, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। स्लिट लैम्प से कैटरेक्ट वैसे तो वैसे ही दिख जाएगा लेकिन स्लिट लैम्प से क्लियरली दिख जाएगा, और कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ इतना ही देखना होता है कोई और कारण तो नहीं है कि विजन खराब है। अगर मान लीजिए पर्दा ही खराब है, क्या दे दो मेरे को, अगर मान लो विजन ही खराब है, पीछे का पर्दा ही खराब है, तो पर्दे को ठीक करने से थोड़ी कुछ होगा। पर्दे को अगर पर्दा ही खराब है तो लेंस को ठीक करके क्या करोगे, जब पर्दा खराब है तो वहां से वहां पड़ के भी दिखने वाला नहीं है। सो इसीलिए ये देखना होता है, और कोई कारण तो नहीं है जिसके वजह से विजन प्रॉब्लम आ रही है, रिमेंबर दैट। सो ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का काम होता है। उसके बाद है ट्रीटमेंट। अर्ली कैटरैक्ट के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थोड़ी बेसिक चीजें बताएंगे। नंबर वन, आंखों का चश्मे का नंबर चेंज होगा। लाइट बोलेंगे कि भाई साहब जब भी आप देखो कहीं भी रूम में हो, कोशिश करो कि रूम में लाइट अच्छी हो, एक बत्ती और जला लो, राइट, एक बत्ती और जला लो, एक लाइट और लगा दो। मैग्नीफाइंग लेंसेज लगवा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कोई इशू है। सनग्लासेस बहुत ज़रूरी है, तो ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लेंस आँखों के आई चेकअप करके लेंस प्रॉपर लेने, बेटर लाइटिंग करवाना, मैग्नीफाइंग लेंसेज और सनग्लासेस। और अगर विजन फिर आगे चल के खराब, पहले पहले तो इतना ही काफ़ी है, फिर आगे चल के विजन खराब होने लगे तो फिर ये रिस्क बढ़ जाता है कि आप कहीं चोट ना लग जाए, आप गिर ना जाओ। उस उम्र में अगर 75-70 की उम्र में गिरोगे, हड्डी टूट जाएगी, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए फिर बेस्ट ऑप्शन होता है ये लेंस जो खराब हो गया है उसको निकलवा दें, आर्टिफिशियल लेंस लगा दें, क्योंकि इससे देख नहीं पा रहे अब, ये हो गया है खराब एक्सपायर। सो सर्जरी ज़्यादातर केसेस में अगर आपको कैटरैक्ट से दिखना मुश्किल नहीं है तब तक ज़रूरी नहीं है। कैटरैक्ट्स नॉर्मली आँख वैसे पूरी आँख ख़राब नहीं करता, सिर्फ लेंस पे ही बीमारी है और कहीं पर नहीं है। सो सर्जरी जब भी आप कराते हैं तो डॉक्टर आपका बता देंगे कि भाई सर्जरी में आपको ऑब्वियसली थोड़ी ड्राइविंग, रीडिंग और कंप्यूटर, वीडियो स्क्रीन, ऐसी चीज़ें नहीं कर पाओगे सर्जरी के बाद भी। तो अगर आप सर्जरी के पहले भी नहीं कर पा रहे हो तभी ऑपरेशन कराओ, राइट। बहुत सिंपल है, याद रखिए, ड्राइविंग, रीडिंग, राइट। तो उस उम्र में जाके होता है कैटरैक्ट का ऑपरेशन जब और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो सर्जरी वही कराए। तो जिनको और कोई आँखों का प्रॉब्लम है, मान लो पर्दा ख़राब है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है डायबिटीज़ की वजह से, उनका सर्जरी करने से कोई मतलब नहीं, राइट। क्योंकि बिना डायबिटीज़ रेटिनोपैथी को ठीक करे सर्जरी कर ली तो दिखने वाला वैसे भी नहीं। पर्दा इज मेन, ठीक है, मेन सेंटर खराब है तो है कि नहीं, स्क्रीन टूटी है, मेन मदरबोर्ड खराब है तो पहले मदरबोर्ड ठीक करोगे कि स्क्रीन ठीक करोगे, सिंपल सी चीज़ है, राइट। सो ये बेसिक है। और याद रखिए, एक बार कैटरेक्ट की सर्जरी कराने के बाद भी, नया लेंस लगाने के बाद भी गारंटी नहीं है कि विजन 0/20 यानी पूरी 100/100 100% विजन आ जाएगी। हाँ, बेटर जरूर हो जाएगी। और कई बार मैक्यूलर डिजनरेशन जैसी बीमारियाँ भी होती है साथ में, तो वो आपके डॉक्टर आपको पहले बताना चाहिए कि भाई ये बीमारी है, पूरी विजन नहीं आएगी पर थोड़ा बहुत आ जाएगा। कई बार लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए भी और गिरने पड़ने का डिसरिस्क कम करने के लिए भी ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन का कोई साइड इफेक्ट, सी जितने रेयर साइड इफेक्ट होता है ऐसा कोई नहीं है ग्लॉकोमा होना, इन्फ्लामेशन होना, आँखों में दर्द होना, वो एक साइड इफेक्ट हो सकता है। तो अगर आपकी विजन डिक्रीज हो गई है, आपको दिख नहीं रहा और ग्लेयर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप जाके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से ये ऑपरेशन करा सकते हो।
अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए, मुझे प्रिवेंशन करवा दो, मुझ गरीब को ये चीज़ ना हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो प्रमोट करता है कैटरैक्ट, उन सब चीज़ें से बचे। स्मोकिंग बंद, धूल मिट्टी से बचना है, ट्रैफिक में चीज़ों से बचना है। अगर कोई बाहर जाते हो तो सनग्लासेस पहनने, आँखों को अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशन से बचाना है, डायबिटीज़ कंट्रोल रखना है, जितनी भी चीज़ें ऊपर हमने बताई हैं, राइट, अपना कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ नहीं करना है, और बस डॉक्टर को रेगुलर दिखाना है। अगर ये सब करोगे तो आपकी आँख जो है आगे चल के ऐसी कैटरैक्ट से ग्रसित नहीं होगी। कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, काला, सफ़ेद, काला, एक ही बात, यही चीज़ें हैं, ठीक है। सो एज रिलेटेड कैटरैक्ट विजन लॉक इसी को कहते हैं, लेंस ओपेसिटी इसी को कहते हैं। आई होप आपको समझ आई है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इस ज्ञान को आगे बांटना है, अपने पास नहीं रखना है। और देखते रहिएगा हमारे चैनल को, कोई भी सवाल है तो नीचे लिखिए, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।